बात करते हैं मेटल सेक्टर की कंपनी एनएमडीसी की। मार्च तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 8 गुना उछाल के साथ अब तक के सबसे शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। आय में करीब 115% की ग्रोथ रही, वहीं कामकाजी मुनाफा और मार्जिन से बढ़ते हुए दिखे हैं। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के CMD सुमित देव। मिस्टर देव, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले तो ढेरों बधाई, शानदार नतीजे, इनफैक्ट अब तक के सबसे शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर, और क्या इसी तरह का परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा? तो हमारा जो एक तो धन्यवाद हमको, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और हमारे जो परफॉर्मेंस रही है Q4 में, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है हमारे जो प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और हमने हमारा जो प्रोडक्शन और सेल्स रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। और हमारी जो EBITDA मार्जिन है, इन ऑल रेस्पेक्ट्स हमारी जो Q4 है वो सबसे बेहतरीन रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है और प्राइसेस और जो दाम हमारे हैं जो आयरन ओर के, वो भी अच्छे रहे। तो दैट इज हाउ द परफॉर्मेंस हमारी काफी अच्छी रही। ओके, आपसे सुमित जी, हम डिमांड और सप्लाई की करंट सिचुएशन समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी जिसमें आयरन ओर शॉर्टेज की बातें चलती हुई हमने देखी है। ऑफकोर्स कुछ माइंस के लीज एक्सपायर होने की खबरें थी अगस्त में, सारी खबरों के चलते डिमांड सप्लाई की सिचुएशन कैसी रही? ये ऑप्शन के तहत कुछ रिडक्शन हुआ है अवेलेबिलिटी पे उड़ीसा में। मोस्ट ऑफ द माइंस, जो भी माइंस थे वो कैप्टिव माइंस, जो मर्चेंट माइंस कन्वर्ट हो गए कैप्टिव माइंस में, और इसलिए अवेलेबिलिटी टू द डोमेस्टिक यूजर्स थोड़ा कम रहा। बट अभी तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया है उड़ीसा में, और आई थिंक सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल में है। प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है दोनों मिलाए में, और जहाँ तक हमारे प्रोडक्शन का मैटर है, हमने भी काफ़ी बढ़ाया है, तो अभी शॉर्टेज सिचुएशन तो अभी है नहीं। और राइट मिस्टर देव, आपके कारोबार को थोड़ा और हम समझना चाहेंगे, एक्सपोर्ट सेल्स की सिचुएशन अगर आप बता पाएं, और साथ ही रियलाइजेशन कैसे रहे? हम लोग नॉर्मली जो एक्सपोर्ट करते हैं 2 से 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा और वो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अंडरस्टैंडिंग है वो जापान एंड साउथ कोरिया के साथ में, उनको हम लोग उनके साथ में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट है, ये इसी साल एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो रिन्यू हुआ नहीं है। और जो NMDC एक्सपोर्ट करेगा, इट विल हैव टू डू इट ऑन इट्स ओन, और उसमें कंसेशन ड्यूटी नहीं है। जो ड्यूटी 30% नॉर्मल जो ड्यूटी है, उसमें गवर्नमेंट 20% कंसेशन देती है, और 10% ड्यूटी पे एक्सपोर्ट होता है, वो नहीं रहेगा इस साल। तो अगर एक्सपोर्ट वायबल होगा तभी एक्सपोर्ट किया जाएगा, करेंटली अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुमित जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पिछले एक साल में आयरन ओर प्राइसेस जो हैं दोगुने होते हुए दिखे हैं, क्या ये प्राइसेस हैं इसी तरह सस्टेन होते हुए हम देखेंगे, और इसका असर NMDC के कारोबार पर किस तरह का पड़ता हुआ दिखेगा, और इन लेवल से किस तरह आगे से सिचुएशन होगी? हेडरूम तो है, करेंटली जिस हिसाब से फ्लैट प्रोडक्ट की प्राइसिंग, स्टील की प्राइसिंग है, तो करेंटली थोड़ा बहुत तो हेडरूम है, ज़्यादा नहीं है, प्राइसेस ऑफ मोर लेस फ्लैटन हो गया है, बट देर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ हेडरूम करेंटली अवेलेबल। बिल्कुल सुमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। NMDC के मैनेजमेंट से विस्तार से हमने बातचीत की, उनके कारोबार विस्तार प्लान्स और साथ ही नतीजों को लेकर दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, अब तक के सबसे अच्छे सबसे शानदार नतीजे NMDC की तरफ से। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।